तो हो गई है दोस्तों सुबह, और आप सुबह सुबह का मौसम देख सकते हैं। एक बार दोबारा फिजाओं में ठंड होना शुरू हो गया है। बारिश के बाद एक बार ठंड हो चुकी थी कम, तो आज फिर से एक बार दोबारा दोस्तों सुबह सुबह आप देख सकते हैं बारिश का तगड़ा माहौल बन चुका है। सूर्य देवता आ रहे हैं बादलों के पीछे से, और पूरी बादलों ने सूर्य देवता को कर रखा है कवर। कुछ इस प्रकार का मौसम का हाल सुबह सुबह का, और गाँव का व्यू। जय जय देव भूमि उत्तराखंड। ओहो दगड़ियों नमस्कार, पहलाक मिर्ची हो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं सूरी उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से आप सबका अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों परसों की बारिश के बाद हिमपात तो नहीं हुई, पर ठंड जो था वो कम हो गया था, और आज आप फिर से देख सकते हैं सुबह सुबह का माहौल है। सूर्य देवता और पूरी घाटी को बादलों ने कहर में ले रखा है। तो कुछ इस प्रकार का अभी का सुबह का मौसम दोस्तों, ठंड फिजाओं में बढ़ चुकी है, तो सुबह सुबह के कामकाज भी शुरू हो गए हैं। मनु यहाँ लिया है अपनी मुर्गियों को चराने के लिए, और कुछ लोग पानी भी सार रहे हैं। करते हैं दोस्तों हम भी काम की शुरुआत, मिलते हैं आपको आगे के सफर में। तो आप देख सकते हैं सुंदर मौसम को, मौसम तो सुंदर है पर ठंड भी बढ़ चुकी है। तो मिल चुका है दोस्तों गुड्डी, सुबह से और का था गोल। तो मिल चुके हैं दोस्तों नन्हे मुन्ने गुड्डी, सुबह से अपने दोस्तों के साथ और के थे फरार, और हम इन्हें ढूंढ ले आए हैं। क्योंकि इनकी वजह से दोस्तों ये खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं ना, ये तीन चार दोस्त मिलके पूरा नाड़ कर देते हैं खेतों में, जो गेहूं और हैं उसके पेड़ को तोड़ देते हैं। कामों की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और यहाँ बन रही है पहाड़ी चूल्हे में पहाड़ी मट्ठे की फर्स्ट क्लास मूली वाली झोली, पौष्टिकता और टेस्ट से भरपूर। तो कुछ इस प्रकार की दोस्तों इन फिजाओं में, मस्त फिजाओं में मस्त सी झोली बन रही है, और झोली भात बनाते हैं। तो सुबह सुबह के कामों को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों झोली बन गई है, भात अम्मा बना रही है। तब तक हम दे देते हैं अपने प्याज और मूली को और पालक को पानी, तो वो काम भी ज़रूरी होता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, ये काम तो करना ज़रूरी होता है, तभी जाके हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। जो प्याज लगा रखा है उसका, मूली का, सभी चीज़ों का दोस्तों, जब हम उसके लिए करेंगे तो वो हमारे लिए भी करेगा। तो चलते हैं उसको देते हैं पानी और दिखाते हैं आप। तो आ चुका है दोस्तों पानी सुबह सुबह, अब करते हैं जल्दी से, लगाते हैं पाइप और देते हैं पानी। तो बिछ चुका है दोस्तों पाइप, और आ चुका है पाइप में पानी। अब देते हैं अपने पहले प्याज को, तो इस कड़कड़ाती ठंड के मौसम ने गुड्डी और शेरू को भी प्रभावित कर रखा है पूरी तरीके से। बताना चाह रहे गुड्डी अपनी दास्तान हमें। आ गई दोस्तों पहाड़ी डिश मूली की झोली और भात, दोस्तों साथ में है हरी सब्जी का टपकिया और कोहली हुई मिर्च। इन हसीन वादियों के बीच में करते हैं दोस्तों मूली की झोली को एंजॉय, और मिलते हैं आपको आगे के सफर में। तो दोस्तों इन फिजाओं में हो चुका है बहुत ज़्यादा ठंड, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इन फरफराती हवाओं को और ठंडी हवाओं को। आज सुबह से मौसम बना था बारिश का, बारिश तो हुई नहीं, और आप देख सकते हैं कि कितनी फरफराती हवाएं चल रही हैं। फरफराती से मेरा कहने का मतलब है कि ठंडी हवाएं, बहुत ज़्यादा ठंडी। अब करते हैं इन बुढ़े बाढ़ों को आग तताने की व्यवस्था, और जलाते हैं आग और करते हैं इनकी सेवा। और हवाएँ देख सकते हैं आप दोस्तों इन फिजाओं में, ठंड का मौसम, ऊपर बादल, सूर्य देवता आज उपस्थित ही नहीं हुए। इस घाटी में होगी है आज मरण को, यहाँ आग, सभी जगह आग ही आग है दोस्तों, आग ही जल रहा है सब, और अलाव का सहारा ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है आज के दिन। तो फिजाएं हो चुकी हैं दोस्तों बहुत ठंडी, और जो हमारे उत्तराखंड के बचे हुए हैं वो अभी इस ठंडी फिजा में ले रहे हैं गुनगुनी आग का मजा। तो यहाँ सारे गांव के लोग हमारे इकट्ठा हो रखे हैं, और आप देख सकते हैं इनके मासूम चेहरों में ठंड का कितना ज़्यादा प्रकोप है। और ये हमारी ताई जी बिल्कुल अपने भाटों को भी तता रही है,
यहाँ सब लोग जमा हो गए हैं। ये है दोस्तों गोठ और मेरे पोराम का गोठ है यहाँ। और यहाँ देख सकते हैं आप आग का सहारा लिया जा रहा है अलाव का, क्योंकि दोस्तों बाहर जो फिजाएं हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी हैं और इन ठंडी फिजाओं में हवा का जो आगमन है, बर्फीली हवा कह सकते हैं हम उन्हें, उनका बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है अभी। तो अभी ये बासिंदे जो हमारे पहाड़ के हैं ये अभी ले रहे हैं अलाव का सहारा, और आप पहाड़ के इन प्यारे और सुंदर नज़ारों को देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ठंड हो या गर्म हमें तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है, हमें अपने गुड्डी और शेरी को घुमाने ले जाना होता है। शाम के बज चुके हैं दोस्तों 4:30, सुबह से इन फिजाओं में ठंड और बादल बरकरार हैं। अब अम्माओं को छोड़ जाते हैं अलाव के सहारे और हम चलते हैं गुड्डी और शेरी को घुमाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हो गई एक जोरदार बारिश शुरू, पहले सुबह से मौसम बन ही रहा था और अब आप देख सकते हैं घाटी में जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। तो कहीं दोस्तों बारिश हो रही है तो कहीं हो रही होगी बर्फबारी। हमारे ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ बर्फबारी होना भी शुरू हो चुकी होगी। तो जैसे ही अगर बर्फ़ रुकती है तो आज हम जाएंगे बर्फ़ देखने, अगर आज बारिश नहीं रुकेगी तो जाएंगे हम कल। तो कुछ इस प्रकार का माहौल हो रहा है और यहाँ पर अंगीठी हमारी पहाड़ियों की सहारा जली हुई है, सुबह से जला रही है दोस्तों, और फाइनली बारिश आ गई और ठंड से अकड़ चुके हैं गुड्डी। यहाँ से ले रहे हैं बाहर के नज़ारे, प्यारे प्यारे और सुंदर भव्य नज़ारे ले रहे हैं अंदर से बैठकर। यहाँ शेरी को भी लग चुका है चाड़ा। तो हो गई दोस्तों रात और शेरी और गुड्डी की घुमाई भी नहीं हो पाई आज, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई थी, सुबह से मौसम बन ही रहा था और शाम होते होते आप देख सकते हैं कि कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है। और अब घूमने का तो आज हो नहीं पाएगा, शेरी गुड्डी को घुमाने का हार हो चुकी है दोस्तों फिजाओं में रात और बारिश भी आ रही है। अगर ये बारिश ऐसी ही रही कंटिन्यू हो सकता है कल बर्फ भी गिर जाए ऊपर के क्षेत्रों में। तो कुछ इस प्रकार का था दोस्तों आज का ब्लॉग ठंड भरा इन पहाड़ी हसीन वादियों से। आज के ब्लॉग में लेता हूं मैं आपसे अलविदा, और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग में।